तो दोस्तों खमागणी, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसी रेसिपी जिसे हर कोई बना लेगा। अगर आप फर्स्ट बार भी बना रहे हो तो भी फर्स्ट बार में भी आप एकदम परफेक्ट बना के तैयार करोगे और आपके सब घर वालों को एकदम परफेक्ट लगेगी और एकदम सबको पसंद आएगी। ये तो ये क्या है, बेसन की मिठाई। और इसमें अधिकतर सबको प्रॉब्लम आती है, कभी किसी को चाशनी की आती है तो कभी ये जमती नहीं है, अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, या फिर इसके पीस नहीं निकलते हैं, या बहुत टाइट हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से मेरे वीडियो के देख देख के पूरा वीडियो देख के अगर मिठाई बनाओगे आप, तो आप एकदम बहुत टेस्टी से एकदम सॉफ्ट से मिठाई बना के तैयार करोगे। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ 2 कटोरी बेसन, मैंने दो एक कटोरी उसी से मैनेजमेंट किया है। तो मैं ले रही हूँ 2 कटोरी बेसन, गिलास में पानी है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसमें गांठ नहीं रखनी है बेसन के घोल में, और घोल हमें पतला भी नहीं करना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही मिक्स करना है, तभी आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से मैं इसको, मेरे को थोड़ा पानी कम लगा तो मैं और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मैं आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी लेके आऊँ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ से कोई यूनिक रेसिपी है जिसे मैं ट्राई करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो बैटर मैंने तैयार कर लिया, उसके बाद मैं एक पैन में ले रही हूँ घी। उसी कटोरी से मैंने घी लिया है और जो बेसन का बैटर बनाया था उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और जैसे जैसे घी गर्म होएगा वैसे वैसे बेसन में मिक्स होता चला जाएगा। तो हमें इसको लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भूनना है बेसन को, नहीं तो ये क्या है चिपक जाता है, और चिपक जाएगा तो फिर अच्छी सी मतलब एक अजीब सी स्मेल आएगी इसमें। तो हमें इसे कंटिन्यू ही चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं बेसन में पूरा घी ऑब्जर्व हो गया चुका है, अलग से लग भी नहीं रहा कि इसमें अलग से घी डाला है, और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। इसमें हमें गांठ नहीं बनने देना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको अच्छे से भूनना है और इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है जब तक इसमें सुगंध नहीं आ जाए बेसन में। इसमें अच्छी सी महक आने लग जाती है बेसन भूनता है तब, तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको चलाते हुए ही भूनना है। और आप इसको जब तक भूनना है जब तक इसमें से घी अलग नहीं हो जाए, इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो आप एक बार इस तरह से मिठाई बना के देखिए, एकदम परफेक्ट मिठाई बनेगी। इसका घी बिल्कुल अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो मैं ले रही हूँ चाशनी के लिए एक बर्तन, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी चाशनी और शक्कर और आधा कटोरी पानी। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कम पानी डालने से चाशनी झटपट बन जाती है। तो हमें इसका मोटा तार बनाना है, एक तार की मोटी तार की चाशनी बनानी है। जब तक चाशनी बनती है तब तक मैं एक प्लेट में घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर देती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो। मैंने बादाम और पिस्ता डाला है, आप देख सकते हैं चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, आपके पास येलो तो आप येलो डाल दीजिए, या ऑरेंज तो थोड़ा सा कम डालिए, मेरे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से चाशनी बिल्कुल तैयार है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तार बनने लगे, इस तरह से हमें तार बनाना है चाशनी का, इस तरह से मोटा तार बनना चाहिए, तार टूटना नहीं चाहिए, तब जाके परफेक्ट चाशनी बनेगी। अब मैं वापस उसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चाशनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमें इसको, 5 मिनट ही पकाना है चाशनी डालने के बाद। आपको ध्यान रखना है बस इसमें कि चाशनी भी परफेक्ट बने, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से चाशनी बनानी है, और इससे ज़्यादा टाइट बैटर नहीं करना है हमें। आपको इसमें लग रहा होगा कि बेसन बहुत पतला है, कब जमेगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा जमने में, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसको ज़्यादा पकाओगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी
और टेस्टी भी नहीं लगेगी फिर ज़्यादा हार्ड हो गई तो। मैंने शाम को बनाई थी तो ओवरनाइट रख दिया था इसको, अब 4-5 घंटे में जम जाती है। तो इस तरह से जमने के बाद हम इसका पीस कट कर लूँगी मैं, आपको जैसे पीस कट करना छोटे बड़े आप उस तरह से कर सकते हो। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो, बहुत तो इजीली बन जाती है। इस तरह से हम इसके अच्छे से पीस कट कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है, एकदम दानेदार हलवाई जैसे बन के तैयार होती है। तो आप अगर फर्स्ट बार ही बना रहे हो तो आप परफेक्ट मिठाई बना के तैयार कर लोगे, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करें और वीडियो पूरा वॉच करें, तभी आप अच्छे परफेक्ट मिठाई बना पाओगे। आप देख सकते हो कि एकदम पीस अच्छे से कट गए हैं और एकदम सॉफ्ट है। आप देख सकते हो कितनी रसीली लग रही है एकदम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है नहीं लगती है। तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, तो प्लीज़ बताएं ज़रूर कि रेसिपी कैसी लगती है आपको। इस तरह से बनाइए एंड खाइए। थैंक यू सो मच।